मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कमीशन खोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक को सबसे ज्यादा कमीशन बस स्टॉप बनाने में मिलता है। थोड़ा बहुत मैंने भी लिया था। एक बस स्टॉप बनाने में 1-1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। बीजेपी सरकार में मंत्री जोशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए जरा। एक बस स्टॉप में 1 लाख रुपए, सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सांसद विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। मैं भी नहीं मिली थोड़ा बहुत, मैं सही बता, मैं झूठी बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। इधर कोरबा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, जिनको थमा दिया गया है नोटिस। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने इनको नोटिस जारी कर दिया है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन पर लगा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत की थी और शिकायत के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर सरोज पांडे को नोटिस थमा दिया गया। चिरमिरी में दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम था जिसमें शामिल हो गई थी। 26 अप्रैल को हनुमंत कथा का आयोजन हुआ था और उसमें सरोज पांडे पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह पर भी बड़ा हमला वो बोलते नजर आए और प्रियंका को मंगलसूत्र न पहनने पर घेरा तो दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथ लिया। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार में ताकत झोंकी है। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, ना ही उन्होंने अपना सरनेम बदला है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है, मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना। यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कांकी पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही। शादी शुदा होने के बाद और शादी शुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग, ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी, वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे कि नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी, बोलो करेगी कि नहीं करेगी, वही माफ नहीं करेगा। वहीं आगर मालवा के सुसनेर में सीएम ने दिग्विजय सिंह की तुलना कछुए से की और दिग्विजय सिंह पर जहरीला भाषण देने के आरोप लगाए। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कहां मारा, कौन मारा, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। अरे सेना के ऊपर सर्टिफिकेट मांगते, शर्म नहीं आती केवल वोट के कारण। और आतंकवादी आता है ओबामा, वो ओसामा को ये कांग्रेस के प्रत्याशी जी लगा के वोट दे जैसे कोई इनका देशी और आतंकवादी नहीं मानते, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। क्या करना चाह रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, आप सम्मान से देखो क्या रिश्तेदारी आपको करना। आपको भारत के देशभक्त लोग मंजूर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं देंगे जो आतंकवादियों को जी होती। आप बताओ इस देश के नागरिकों का खून, इस देश की जान का खून, इस देश की देशभक्ति का खून सदा भारत माता की जय बोलेगा। ऐसे गद्दारों के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा, कोई गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजगढ़ से इस बार दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ रोडमल नागर दम ठोक रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बैतूल के मलाजपुर में भी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कुल मिलाकर तीसरे चरण के लिए प्रचार के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है और आने वाले दिनों में बयानों में और तल्खी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में कोलार में उन्होंने रोड शो किया। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो था और वोट मांगते नजर आए। रोड शो में आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा भी थे। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे थे। खुली जीप में ये रोड शो चला। जगह जगह स्वागत पंडाल लगाए गए।
स्वागत भी किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हो चुका है। सर्वधर्म चौराहे से सीएम का रोड शो शुरू हुआ है और देखिए आपको वो हाथ में गदा लहराते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर सीएम मोहन यादव से बात करेंगे। सर, भोपाल में भारी रोड शो शुरू है और भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए आपको हाथ में सीएम के कमल नजर आ रहा है, कमल ले रहा। सर, भारी जन सैलाब उमड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भोपाल की जनता भाजपा के साथ चल रही है। भोपाल में जिस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा है, ये पूरा प्रदेश का नब्ज बता रहा है। मध्य प्रदेश का दिल भोपाल। और आज मैं कोलार क्षेत्र में हमारे मित्र रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक जी के क्षेत्र में घूम रहा हूँ। यहाँ आलोक शर्मा जी हमारे प्रत्याशी और हम लोग यहाँ रोड शो में घूम रहे हैं। जनता का जिस ढंग से हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले ऊपर छत तक लोग भाजपामय हो गए, उसका परिणाम हमको चुनाव में दिखाई देगा। देखने में आ रहा है भारी जन सैलाब है, भगवा भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं। भगवा निश्चित रूप से भाजपा के झंडे हैं, कमल का फूल खिल रहा है। ये कीचड़ में गंदगी जितनी फिलहाल है कांग्रेस, वो मुंह की खाएगी। आज आप राजगढ़ में थे, आपने कहा जहरीला भाषण देने वालों को सबक सिखाना है। निश्चित रूप से ये जनता कभी माफ नहीं करती, जनता सब याद रखती है, जिनने जो बोया वही काटेंगे। बार बार सनातन की बात होती, कई ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं जिसको लेकर सनातन पर सवाल खड़े होते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस वोट तो सबके चाहती है लेकिन सनातन धर्म का अपमान करती है, हिंदुओं का अपमान करती है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में क्या मिशन 29 पूरा, 29 सीटें जीतेंगे रिकॉर्ड रूप से? 29 की 29 सीट भाजपा जीतने जा रही है। हमारे सामने ये जनता का सैलाब बता रहा है। देखिए ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि पूरा की पूरी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और भारी जन सैलाब जिस तरह भोपाल में उमड़ रहा है, ये संकेत है कि क्लीन स्वीप होगा। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मंत्री तुलसीराम सिलावट खरगोन पहुंचे, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में यहां पर वोट मांगे। हनुमान उनको बताते नजर आए। पूर्व मंत्री विधायक बाल कृष्ण पाटीदार को उन्होंने जामवंत बता दिया। मीडिया से बात की, कहा आपकी बात 400 बार। 400 बार फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जैसे कि वो डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का संकल्प समाज का समग्र विकास हो, इसीलिए मैं अपने समाज में आज आया हूँ। क्योंकि इस समाज को भी कम से कम 35 टिकट दिए थे, 28 विधायक एक मंत्री आपके सामने, इसी समाज का खड़ा है। इधर भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोला और कहा कि बहुसंख्यकों के प्रति कांग्रेस की मंशा लोगों के सामने आ गई है, एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है, बहुसंख्यक समाज को अब जागना होगा। लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है, देश के सामने वो बातें आई हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण पर डाका नहीं डाला कांग्रेस ने, बल्कि एससी एसटी और पिछड़े सभी आरक्षणों पर डकैती की है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहाँ तो पूरी पार्टी लगातार इस गलतियों को दोहराने का अपराध कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा, खास करके वो बहुसंख्यक समाज एससी एसटी और ओबीसी। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए। विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दे रहे हैं। वीडियो में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि गफलत में नहीं रहना है, सभी को तन मन से जुटे रहने की जरूरत है। मन में ये बात आने भी नहीं देना है कि चुनाव एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक है,
सुस्त होकर बैठने से काम चलेगा नहीं, मैदान में बराबर काम करने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास का परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट है जो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 45 सीटों। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा गोयल जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, अति आत्मविश्वास था क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग कितनी हुई थी, केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इसी चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेंगे और पता चला अपने आप में भी 60% की वोटिंग। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। और वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।